जिला बिलासपुर से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें बिलासपुर पुलिस की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मामले में हरियाणा के रोहतक जिले के युवक को अवैध ऑटोमेटिक देसी कट्टा और सल्फास के पैकेट के साथ नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। यह युवक अपनी एक फेसबुक फ्रेंड महिला की हत्या करने की योजना से यहां आया हुआ था और महिला की हत्या करने के बाद यह सल्फास खाकर अपनी जान देने वाला था, लेकिन इस घटना को अंजाम देने से पहले ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आर्म्ड एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और युवक को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। ये हरियाणा का रहने वाला है, ये लड़का, इसका अशोक कुमार नाम है और ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इसको कल पुलिस ने एक एबनॉर्मल कंडीशन पे अंडर इंटॉक्सिकेशन एल्कोहलिक कंडीशन पे नोटिस किया और उसके बाद जब इसकी सर्च ली गई, इसकी तलाशी ली गई, तो इसके पास एक आर्म्स वेपन जो देसी कट्टा जिसको हम बोलते हैं वो इसके पोजेशन से हमें मिला। और फर्दर सर्च जब आगे और ली गई तो इसके पास 3 लाइव कार्टेज भी मिले हैं और साथ में एक सल्फास जो टैबलेट होती है जो लोग हम इस्तेमाल करते हैं अनाज वगैरह में कीटनाशक उसको दिए, वो भी एक पैक इसके पास मिला। तो ये चीज़ों का जो कम्बिनेशन था ये अपने आप में पुलिस के लिए भी एक सरप्राइजिंग था और एक चैलेंज था कि ये सारी चीज़ें लेके ये क्यों चल रहा है। जब इसको इंटरोगेट किया गया तो इंटरोगेशन में इसने एक बहुत ही हैरान करने वाली बात कही है कि ये 2016-17 से एक महिला से एक यहाँ पर सोशल मीडिया में उसका ये फैन था और पिछले कुछ दिनों से इनके आपस में रिलेशन में थोड़ा डिस्ट्रेस आया हुआ था, लेकिन ये इस महिला को एलिमिनेट करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए ये पूरे तैयारी के साथ आया और इसने ये जो एक वेपन लेके आया और अपना इसका ये कहना था कि ये महिला को जो है वो उसको उसका मर्डर करेगा और उसके बाद ये अपने आप भी सुसाइड कर लेगा। तो इसलिए ये जो कम्बिनेशन था कार्टेज प्लस वेपन प्लस सल्फास, तो जो कार्टेज और वेपन है उसका इस्तेमाल महिला को एलिमिनेट करने के लिए होना था और जो सल्फास था बाद में इसने अपना आप उससे सुसाइड करना था। तो ये सारी चीज़ें इसने इंटरोगेशन में डिस्क्लोज की हैं और अब हमने इसके खिलाफ जो है आर्म्स एक्ट की सेक्शन 25 में जो है वो केस रजिस्टर करके आज इसको अदालत में पेश किया था। 5 दिन का हमने इसका पुलिस रिमांड लिया है और इस इन्वेस्टिगेशन में जो अब आगे की जो कुछ कड़ियाँ और जुड़नी है, जो कुछ अनसुलझे कुछ और चीज़ें हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। अब हम इसको बड़े गंभीरता के साथ इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपके माध्यम से लोगों से एक मेरा कहना रहेगा, खासकर जो हमारे नौजवान लोग हैं, कि वो कहीं भी अगर कोई अपना दोस्त या रिलेशंस अगर बनाते हैं तो थोड़ा इन रिश्तों की सोशल मीडिया में जो बनते हैं इनकी थोड़ी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, व्यक्ति के बारे में जरूर ये थोड़ा छानबीन कर लिया जाए कि उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा, ये बहुत ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है इस उज्जवल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्वाल। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।